हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ ठंडाई की रेसिपी, वह है स्ट्रॉबेरी की ठंडाई। इसे आप कोई भी व्रत में या फिर होली आने वाली है उसमें बनाकर पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी लगती है और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। तो आप इस होली पर स्ट्रॉबेरी ठंडाई बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये ठंडाई स्ट्रॉबेरी ठंडाई कैसी लगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिया है। तो स्ट्रॉबेरी हमने यहाँ पे 8 स्ट्रॉबेरी मार्केट में आसानी से आपको मिल जाती है, तो हमने यहाँ पे मंगवा लिया है। उसके बाद इसको धो लिए हैं और हमने यहाँ पे तीन बड़े चम्मच चीनी लिया है, आप टेस्ट के अनुसार लीजिए। और हमने यहाँ पे बादाम ले लिए हैं, 5-6 बादाम हमने लिया है। तो बादाम को हम पानी में फूलने 5-6 घंटे छोड़ दिए थे, तो बादाम भी फूल गई है। और यहाँ एक चम्मच हम बड़े चम्मच से सौंफ लिए हैं, तो सौंफ भी पानी में हम डाल दिए थे 5-6 घंटे के लिए, तो सौंफ भी फूल करके तैयार हो गई। और खरबूज के बीज हैं तो वो भी फूल गई है अच्छी तरह से, एक चम्मच डाल दिया था पानी में। और 2 हरी इलायची और 6-7 हमने काली मिर्च लिया है, गोल मिर्च। तो इन सब चीज़ों को ही आप देखिए, बादाम हमारी फूल गई है और हम अच्छी तरह से इसका छिलका निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने धो करके फूलने के लिए डाला था। अब ये देखिए सॉफ्ट हो गई है, तो छिलका आसानी से उतर जाएगी। तो बादाम को हम इस तरह से छील लेते हैं, इसका छिलका हटा लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे छिलका को हटा लेना है। तो इस तरह से देखिए, हमने पहले बादाम को छील लिया है और छिलका हटा लिया है। और दूध को हमने फ्रिज में रख दिया था ठंडे होने के लिए। तो दूध हमारी अच्छी तरह से, ये हमने 1.5 ग्लास दूध लिया है, तो 1.5 ग्लास दूध हमारी चिल्ड हो गई है, फ्रिज में हमने रख दिया था तो ठंडी हो गई है। अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे स्ट्रॉबेरी ठंडाई। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मिक्सी का एक पॉट लिया है और पॉट में हम डाल देते हैं छिला हुआ बादाम। तो हमने यहाँ पे बादाम को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे सौंफ। तो पहले हमने इसको धो कर ही अच्छी तरह से फूलने दिया था, तो पानी सही थी डाल देंगे, क्योंकि पानी अलग से हम नहीं डालेंगे, उसी में पीस लेंगे। तो सौंफ तो ठंडाई में बिल्कुल ज़रूरी है, सौंफ और काली मिर्च यानी गोल मिर्च। तो आपको ये दोनों चीज़ तो ज़रूरी ही डालना है ठंडाई के लिए। अब हम खरबूज के बीज को भी इसमें डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको भी इसमें पानी सही थी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे ये हरी इलायची और गोल मिर्च। तो हमने हरी इलायची और गोल मिर्च को भी इसमें डाल दिए हैं और इन सब चीज़ डाल करके और मिक्सी में हम पीस लेते हैं। तो देखिए, हमें इस तरह से मिक्सी को चला करके और इसको पीस लिया है। तो इस तरह से हमने इसका पीस करके और पेस्ट तैयार कर लिया है ठंडाई का। तो ये ठंडाई बन करके तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे दूध। तो हमने यहाँ पे जो दूध लिया था ये ठंडा दूध है, आप चाहें तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये फ्रिज का दूध था ठंडा, तो हम आइस नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दूध को डाल दिया। अब हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी आप टेस्ट के अनुसार डालिए, हमने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी को डाले हैं। उसके बाद स्ट्रॉबेरी को इसमें हम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को डाल दिए हैं, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी को काट कर भी डाल सकते हैं। हमने समूचा डाल दिया है और मिक्सी में इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पे मिक्सी में इसको चला करके पीस लिया है। अगर स्ट्रॉबेरी का अंदर थोड़ा सा गुठलियाँ रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पीने में अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने पीस करके और तैयार कर लिया है। अब हम 2 ग्लास लेते हैं और 2 ग्लास में इस तरह से हम सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी देखिए स्ट्रॉबेरी ठंडाई बिल्कुल तैयार हो गई है। हम ग्लास में इस तरह से ठंडा ठंडा पीने के लिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी ठंडाई बनाने का तरीका। आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।